दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है आज से 12,000 साल पहले, या यूं कहें तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से 10,000 साल पहले, उराल के पर्वतों के बीच, जहां पर कुछ लोगों के छोटे से झुंड का एक छोटा सा कबीला था और इस कबीले का नाम था यगाल, जो कि मनक नाम के एक बड़े से जानवर का शिकार करते हैं। मनक असल में एक बालों वाला बड़ा सा हाथी मेमत था, लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा था और ये मेनक अब यहाँ पर आना कम हो गए थे और इस कबीले के पास खाने के लिए अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ था। इस कबीले में एक बूढ़ी औरत थी जो कि आत्माओं से बात कर सकती थी, जिसे कबीले के लोग बड़ी माँ कहकर बुलाते थे। फिर तभी कबीले के कुछ लोगों को दूर पहाड़ों में एक नीली आंखों वाली लड़की अपनी मरी हुई माँ से लिपटी हुई मिलती है। बड़ी माँ उस लड़की यानी कि एवलेट को छूती है और एक झटके में ही उसका भूतकाल और भविष्य देख लेती है। बड़ी माँ बताती है कि इस लड़की का यहाँ पर आने का एक संकेत है कि जल्दी ही चार पैरों वाले राक्षस यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि पूरी दुनिया का अंत कर देंगे, और उनके यहाँ पर आने का समय तब होगा जब यागल कबीले के लोग अपना आखिरी शिकार करेंगे। लेकिन बड़ी माँ ये भी भविष्यवाणी करती है कि जब यह नीली आंखों वाली लड़की एवलेट बड़ी होगी और जो भी व्यक्ति इससे शादी करेगा वो एक योद्धा बनकर सभी को ऐसे जिंदगी की ओर ले जाएगा जहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं होगी, और इसीलिए सभी एवलेट की जान की रक्षा करने का वचन देते हैं। यहाँ पर कबीले में एक डिले नाम का लड़का भी था जिसे एवलेट को देखकर ही उससे प्यार हो गया था। डिले के पिता के पास सफेद भाला था, जिसका मतलब यह था कि जिस किसी के पास भी सफेद भाला होगा वो इस कबीले का लीडर होगा और कबीले की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी भी होगी। लेकिन एक रात डिले के पिता उसे सोता हुआ और कबीले को छोड़कर जा रहे थे और उसने अपना सफेद भाला और डिले की जिम्मेदारी अपने दोस्त टिकटिक को दे दी थी। अब कुछ समय के बाद में कबीले के सभी बच्चे खेल रहे थे और यहाँ पर करेन नाम का एक लड़का डिले की बेइज्जती करता है कि उसके पिता भगोड़े हैं और कबीले को छोड़कर भाग गए हैं। करेन टिकटिक का ही बेटा था और टिकटिक उसे डिले के पिता को भगोड़ा बोलने के लिए बहुत डांटता है। हम ये भी देखते हैं कि डिले और एवलेट की दोस्ती बहुत गहरी हो रही थी क्योंकि उन दोनों का कोई भी अपना नहीं था। एवलेट ये भी बताती है कि उसके परिवार को चार पैरों वाले राक्षसों ने मार दिया है, जिस पर डिले उसे अपना प्यार, जिसके बाद में डिले उससे अपने प्यार का इजहार भी करता है। वो आसमान में उसे एक तारा दिखाकर कहता है कि ये तारा कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता है, और ठीक उसी तरह एवलेट भी उसके दिल में हमेशा रहेगी। फिर हम देखते हैं कि कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और डिले और बाकी के लोग अब बड़े हो गए थे और कबीले के सभी लोग मनक के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बड़ी माँ ने शिकार करने को मना किया था क्योंकि ये आखिरी शिकार हो सकता था और इसका मतलब था कि चार पैर वाले राक्षस आने ही वाले हैं। करेन एक बहुत अच्छा शिकारी था और वो ही मनक का शिकार करके एवलेट को अपनी पत्नी बनाने का दावा कर रहा था, लेकिन एवलेट ऐसा नहीं करना चाहती थी, बल्कि एवलेट तो डिले के साथ में भाग जाना चाहती थी। डिले के पिता ने भी कबीला छोड़ दिया था और उन्हें भगोड़ा कहा गया, इसीलिए डिले कबीला छोड़कर भागना नहीं चाहता था। डिले फैसला करता है कि मनक का शिकार वो ही करेगा और एवलेट को अपनी पत्नी बनाएगा, और फिर डिले मनक की हड्डियों से बना हुआ एक नेकलेस एवलेट को गिफ्ट दे देता है। तभी कबीले का एक छोटा सा बच्चा बाकी सभी को बताता है कि मनक का झुंड यहाँ पर आ रहा है। इस कबीले के सभी लोग मनक को एक पवित्र जानवर मानते थे और वो उसे मारने पर माफी भी मांगते थे। उनके हिसाब से मनक खुद ये चुनता है कि उसका शिकार कौन करेगा। यहाँ पर टिकटिक कबीले के सभी यंग लड़कों को यह कहता है कि इस बार शिकार वो नहीं बल्कि उनमें से ही कोई करेगा और वो सफेद भाला और एवलेट को जीत लेगा। सभी को करेन पर पूरा विश्वास था कि वो ही मनक को मारेगा, लेकिन वही डिले ये कहता है कि वो मनक को मार के एवलेट को अपनी पत्नी बना लेगा, जिसके बाद में सभी कबीले वाले मनक के शिकार के लिए निकल जाते हैं। टिकटिक घास के मैदानों में मनक के मुखिया को ढूंढ लेता है जिसका शिकार उन्हें करना था, लेकिन वो बड़ा ही शक्तिशाली था। फिर मनक का झुंड वहां से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे कबीले के लोग भी उसका शिकार करने के लिए पड़ जाते हैं। मनक को फंसाने के लिए जाल भी बिछाया गया था, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उसे तोड़कर भाग जाता है और करेन का भाला उस पर काम नहीं करता, लेकिन डिले का हाथ जाल में फंसने से वो मनक के साथ घसीटता हुआ जाता है। डिले उसे मारने के लिए भाला फेंकता है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। फिर डिले दूसरा भाला उठाने ही वाला था, लेकिन वो पत्थर में फंसा हुआ था और गलती से वो भाला मनक के सीने में धस जाता है और मनक डिले के ऊपर ही गिर पड़ता है। और सिर्फ डिले और टिकटिक को ही पता था कि मनक को उसने नहीं मारा बल्कि वो खुद ही उसके ऊपर गिरा है। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि डिले बड़ी माँ से सफ़ेद भाला और इवलेट मांग लेता है और अब यगाल का नया लीडर डिले ही था,
और इवोलेट भी डिले को पाकर बड़ी खुश थी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि डिले की जीत की खुशी में सभी लोग पार्टी कर रहे हैं, लेकिन डिले को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टिक टिक को जाकर सब कुछ सच सच बता देता है। और फिर डिले अपनी गलती को मानकर वो सफ़ेद भाला टिक टिक को दे देता है और इवोलेट को भी छोड़ देता है, लेकिन वो उसे प्यार करना नहीं छोड़ता। फिर उसी रात बड़ी माँ को कुछ अजीब एहसास होता है और वो अपनी भविष्यवाणी पूरा होती हुई देखती है। चार पैर वाला शैतान आ गया था और असल में ये कोई राक्षस नहीं बल्कि कुछ लोग थे जो कि घोड़े पर बैठकर आते हैं और कबीलों को ख़त्म करके वहाँ के लोगों को पकड़कर अपने साथ में ले जाते हैं। वे सभी वहाँ पर बहुत मारकाट करते हैं और लोगों के साथ इवेलेट को भी पकड़ कर ले जाते हैं। डिले उन घुड़सवारों से लड़ना तो चाहता था, लेकिन टिक टिक उसे ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि वो उसे भी मार देते हैं। फिर बाद में सभी कबीले के लोग मरे हुए लोगों को जलाते हैं और डिले उन घुड़सवारों के पीछे जाने को कहता है जो कि ऊंचे पहाड़ों से आए हुए थे। सभी उन्हें राक्षस मान रहे थे और कहते हैं कि पहाड़ों के पीछे जाना नामुमकिन है, लेकिन डिले को खुद पर भरोसा था। टिक टिक भी उसके साथ में जाने को कहता है, जिसके बाद में बड़ी माँ उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से विदा कर देती है और डिले, टिक टिक और करेन तीनों एवलेट और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए चल देते हैं। यहाँ पर उन घुड़सवारों का लीडर वारलोड था और उसका कमांडर वन आई जो कि बहुत ही खतरनाक था। वो सभी बंदियों को खींच कर ले जा रहे थे। सारा दिन चलने के बाद में डिले और करेन बर्फ में ही आराम करते हैं और अगले दिन फिर चल पड़ते हैं, लेकिन छोटा बच्चा बाकू भी उनके पीछे पीछे आ गया था क्योंकि वो भी अपनी मरी हुई माँ का बदला लेना चाहता था। उन्हें ये तक नहीं पता था कि कहाँ पर जाना है और किधर जाना है, लेकिन एवलेट रास्ते में निशान छोड़ रही थी जिससे कि डिलो को ये पता चल रहा था कि वो किस रास्ते जा रहे हैं। फिर आगे रास्ते में भारी बर्फबारी होती है जिससे कि एवलेट और बाकी के लोगों के पैरों के निशान मिट गए थे और डिले बस अपने पूर्वजों और अच्छी आत्माओं के भरोसे ही आगे बढ़ रहा था। अब कई दिन और बर्फीली रातों के बाद में बर्फ के पहाड़ खत्म हो गए थे और उस जगह आ गए थे जहाँ से वे राक्षस इवोलेट के परिवार को मार के गए थे और इवोलेट को भी उस जगह को देखने के बाद में उस खौफनाक मंजर की याद आ गई थी। फिर वरना यह देखता है कि इवोलेट निशानी छोड़ रही है और इसीलिए वार्लर्ड उसके हाथों पर कोड़े से मारता है जिसके निशान उसके हाथों पर आ गए थे। अगले दिन डिले एक जंगल में पहुंच जाता है जहां पर वार्लर्ड भी सभी बंदियों को लेकर आया हुआ था और इस जंगल में बड़े बड़े पक्षी थे जो कि वार्लर्ड के आदमियों को मार रहे थे। और फिर एक सेफ जगह को देख कर वार्लर्ड भी सभी कैदियों के साथ में रात रुकता है। फिर अगले दिन वन आई एवलेट को अकेला देख कर उसके पास में आता है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डिले वहां पर आकर उसके सिर पर वार करके इवलेट को छुड़ा लेता है। और इससे होता यह है कि घुड़सवारों को यह पता लग गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। डिले बाकी लोगों को भी आजाद कर रहा था, लेकिन वॉरलॉर्ड उसे देख लेता है, करेन को वॉरलॉर्ड पकड़ लेता है और डिले, इवलेट, टिक टिक और बाकू बड़ी बड़ी झाड़ियों में भाग रहे थे जहाँ पर वो बड़ा सा पक्षी भी था। सभी उससे बचते बचते एक पेड़ के नीचे आते हैं जहाँ पर डिले एवलेट से वादा करता है कि वो करेन को लेने जा रहा है और वो जरूर वापस आएगा। लेकिन जब वो उन पक्षियों को मारकर वापस आता है तो वहाँ पर एवलेट और बाकू दोनों नहीं थे। उन्हें वॉलोर ने पकड़ लिया था और टिक टिक भी घायल हो चुका था जिसे डिले अकेला ढोकर ला रहा था और इवलेट उसे और दूर होती हुई नजर आ रही थी। फिर रात को डिले टिक टिक के लिए खाना लेने के लिए शिकार करने जाता है, लेकिन वो एक ट्रैप में फंस गया था जिसके अंदर पहले से ही कुछ जानवर मरे हुए थे और इन सभी चीजों को बड़ी माँ अपनी शक्तियों से देख रही थी। इधर तेज बारिश हो रही थी जिससे कि वो गड्ढा भी भरता जा रहा था और तो और इस गड्ढे में एक सेबर भी फंसा हुआ था। डिले चाहता तो उस सेबर को मारकर उस गड्ढे से अकेला बाहर आ सकता था, लेकिन वो सेबर की मदद करता है और इसके बदले में सेबर उसे नहीं खाता। फिर अगले दिन चलते चलते डिले टिक टिक के साथ एक दूसरे कबीले में आता है जहाँ पर वॉरलॉर्ड पहले तबाही मचाकर जा चुका था और इस कबीले में अनाज और खेती के औजार भी थे। इस कबीले के लोग दोनों पर हमला कर देते हैं, लेकिन रात वाला सेबर वहाँ पर आता है जो कि डिले को पहचान लेता है और डिले के कहने पर वो वहाँ से चला जाता है। अब इस कबीले में ये भविष्यवाणी थी कि जो भी सेबर यानी कि हत्यादंत से बात करेगा वही व्यक्ति मसीहा होगा और उन सभी को बचाएगा। कबीले का लीडर बताता है कि कुछ सालों पहले एक आदमी यहाँ पर आया था जो कि बिल्कुल डिले के जैसा ही दिखता था और असल में वो डिले का पिता ही था। इस कबीले के लीडर का नाम नाकू था। वो ये बताता है कि डिले के पिता को राक्षस अपने साथ बड़े पक्षियों पर बिठाकर देवताओं के शहर में ले गए हैं।
नागो के कबीलों के बुजुर्ग की ये भविष्यवाणी थी कि जो भी हत्या दंत से बात करेगा वो उन लोगों को छुड़ा लेगा। और अगले दिन नाकू आसपास के कबीलों के लोगों को इकट्ठा करता है डिले की मदद के लिए, और फिर रात के समय टिक टिक डिले को एक राज की बात बताता है कि उसके पिता कबीला छोड़कर नहीं भागे थे, बल्कि वो उनके कबीले को बचाने के लिए नई जगह ढूंढने गए थे क्योंकि यहाँ पर खाना खत्म हो रहा था। अब बाकी कबीलों की मदद मिलने के बाद में डिले कोई साधारण कबीले वाला नहीं था, बल्कि वो कई कबीलों का अच्छा लीडर बन गया था। नाकू बताता है कि उन लोगों ने उसकी पत्नी को मार दिया और उसके छोटे से बेटे को बंदी बनाकर ले गए। डिले और बाकी के लोग बिना वक्त गवाए बिना सोए आगे बढ़ते गए और वे घुड़सवार नदी के किनारे की ओर चल पड़े थे जहाँ पर बड़े पक्षी आने वाले थे। असल में ये बड़े पक्षी नहीं थे बल्कि बड़े बड़े जहाज थे जो कि पानी पर ऐसे तैरते हैं कि मानो उड़ रहे हों। इन कबीले वालों ने कभी भी जहाजों को नहीं देखा था और इसीलिए वो उन्हें बड़े पक्षी कहते थे। यहाँ पर फिर एवलेट की मुलाकात डिलेन से होती है और उसे यकीन हो जाता है कि डिले उसे बचा लेगा, लेकिन वह पानी के जहाज इतने ज्यादा तेज थे कि वो बड़े जल्दी ही आगे निकल गए थे। दूसरे कबीलों के मुताबिक ये नदी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और सांप के समान बहती थी। ये पूरा रेगिस्तान एक जैसा दिखता है और वो जल्दी रास्ता भटक जाने वाले थे और इसीलिए वो वापस जाना चाहते थे, लेकिन डिले आगे बढ़ना चाहता था और नहीं रुकना चाहता था। सभी डिले के पीछे पीछे जाते हैं और वे सभी जल्दी रास्ता भटक जाते हैं जैसा कि उस आदमी ने कहा था, और वे सभी कई दिनों तक एक ही रास्ते पर घूमते रह जाते हैं। अब फिर निराश होकर डिले उस तारे की ओर देख रहा था जो कि वो एवलेट के साथ में देखा करता था, और उसे याद आता है कि वो तारा हमेशा एक ही दिशा में रहता है जिसकी मदद से वो रास्ता ढूंढ सकते हैं, और असल में ये तारा ध्रुव तारा था जो कि हमेशा उत्तर दिशा दिखाता था। और फिर वे उसी तारे के सहारे आगे बढ़ते हैं और चलते चलते नदी के उस किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां पर देवताओं के पर्वत थे। दरअसल ये उस समय की बात है जब इजिप्ट में ग्रेट पिरामिड्स बन रहे थे जिसे बनाने के लिए लोगों को पूरी दुनिया से गुलाम बनाकर लाया जाता था और उन्हें यहाँ पर लाकर उनसे मजदूरी कराई जाती थी, और तो और गायब होने वाले मनक के झुंडों को भी यहाँ पर पकड़कर लाया जाता था और उनसे भी काम कराया जाता था। यहाँ पर लोगों का मानना था कि ये एक जीवित भगवान है जिसकी आज्ञा से ये सब कुछ हो रहा है, जो कि कुर्बानी मांगता है और मोहा नाम के एक लड़के को वहीं पर मार दिया जाता है। इधर हम देखते हैं कि वॉरलॉर्ड को एवलेट पसंद थी और वो देवताओं के एक कर्मचारी को पैसे देकर उससे गुलाम यानी कि एवलेट को खरीद लेता है। फिर रात में हम देखते हैं कि डिले गुलामों के कक्ष में जाकर करेन से मिलता है जहाँ पर वो सभी को अपने साथ शामिल होने के लिए पूछता है, लेकिन उसकी लड़ाई देवताओं से थी और देवताओं का एक नौकर देवताओं से बचकर यहाँ पर आ गया था। वो बताता है कि पहले तीन देवता थे जिनमें से बस अब एक ही बचा हुआ है। वो ये भी कहता है कि जिसके शरीर पर आसमान में दिखने वाली निशानी होगी वही मसीहा होगा और वही उन सभी को देवताओं से बचाएगा, लेकिन वो डिले के शरीर पर नहीं थी और इस आदमी के हाथ में एक कड़ा था जो कि डिले के पिता का था। डिले उसे अपने पिता के बारे में पूछता है जिस पर वो बताता है कि वो मर चुका है और उसकी हड्डियाँ रेत में कहीं पर दफन है। देवताओं के लोगों को डिले के ठिकाने के बारे में पता चल गया था और वहाँ पर हमला कर देते हैं और कबीले वाले उनसे डटकर लड़ाई भी करते हैं, लेकिन इस लड़ाई में टिक टिक मारा जाता है और मरते मरते टिक टिक वो सफ़ेद भाला डिले को देकर कहता है कि अपने पिता के समान एक महान आदमी बनना। यहाँ पर वॉरलॉर्ड एवलेट को अपने साथ अपने कक्ष में ले आया था। वो उसे खरीद कर इसलिए लाया था ताकि वो उसके नज़दीक आ सके और वो उसे अपने नज़दीक आने को कहता है, लेकिन देवताओं के लोगों को इसकी खबर मिल गई थी। वे वहां पर आकर वॉरलॉर्ड को गुलाम चुराने के लिए गिरफ्तार करके ले जाते हैं। देवताओं का एक पुजारी एवलेट के हाथ में वही निशान देखता है जो कि आसमान के सितारों के थे, जिसके बाद में एवलेट को बड़े पुरोहित के पास में ले जाया गया था जहां पर वो उन निशानों को आसमान के सितारों से मिलाता है, और ये निशान वही निशान थे जिसे कि वॉरलॉर्ड ने कोड़ों से मारा था। इधर डिले बाकी कबीलों वालों के साथ में टिक टिक का अंतिम संस्कार करता है और सभी योद्धाओं को देवताओं से जंग करने के लिए तैयार करता है। उनका ये प्लान था कि चुपके से गुलामों के बीच में छुप जाना है और उन्हें अपने साथ में मिलाकर देवताओं की सेना पर हमला करना है। अगले दिन वो सभी गुलामों के बीच छुप जाते हैं और मनेक यानी कि बड़े बड़े हाथियों के मुखिया को ढूंढकर उसे आज़ाद कर देते हैं, जिससे कि बाकी के मनेक भी उसके पीछे पीछे आते हैं और पिरामिड के सुनहरे शिखर को गिरा देते हैं। यहाँ पर एवलेट को बंदी बना लिया गया था ताकि उसका सौदा करके डिले को वापस भेज दिया जाए। वे सभी ये चाहते थे कि डिले एवलेट को वापस ले जाए, लेकिन डिले बाकी सभी गुलामों को भी ले जाना चाहता था।
डिले उनसे मांग करता है कि सभी गुलामों को छोड़ दिया जाए। डिले भाला लेकर आगे बढ़ रहा था और देवता कहता है कि वो गुलाम उसके हैं और कयामत तक उसके ही रहेंगे, जिससे कि गुस्से में आकर डिले देवता को ही भाले से मार देता है। और वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये देखते हैं कि देवता कभी नहीं मरते और ये व्यक्ति देवता नहीं था, बल्कि वो सभी को बेवकूफ़ बनाकर उनसे काम करा रहा था। सभी गुलाम देवताओं की सेना पर हमला कर देते हैं, लेकिन वॉरलॉर्ड एवलेट को पकड़ लेता है। वो उसे अपने साथ में ले ही जा रहा था कि तभी एवलेट उसे एक तीर से घायल कर देती है, जिसके बाद में वो उसे गिराकर डिले के पास में पहुंच रही थी। लेकिन इतने में वॉरलॉर्ड एवलेट के पेट में तीर मार देता है और फिर डिले भी उसका बदला लेने के लिए वॉरलॉर्ड को सफेद भाले से खत्म कर देता है। एवलेट अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और वो इस बात से खुश थी कि डिले उसके लिए यहाँ तक इतनी दूर तक आया है, जिसके बाद में वो अपना दम वहीं पर तोड़ देती है। लेकिन पूर्वजों की आत्मा और पवित्र मनक उसके साथ थे और बड़ी माँ भी अपनी पूरी ताकत से खुद की जान देकर एवलेट को फिर से जिंदा कर देती है और डिले को वापस एवलेट मिल चुकी थी। फिर वापस लौटते समय नाकू डिले और एवलेट को बहुत सारे बीज देता है, जिसे ले जाने के बाद में वो एवलेट के साथ में अपने कबीले में खेती करता है, जिससे कि वो खुद का अनाज उगाते हैं और कभी भी भूखे नहीं रहते हैं। और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं ये मूवी अपलोड कर दूँगा। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता हूँ। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।